कहीं से मुझे कोई नौकरी दे दे और पैसा आ जाए, सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए। तो एसटीडी पीसीओ की शॉप भी बंद हो गई। उसके बाद मैं कई जगह इंटरव्यूज के लिए गया, हर जगह फेल होता चला गया। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या होगा। अब मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आया। मैं एक सेमिनार में गया जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी का सेमिनार था। अब मेरी एज उस टाइम पे 18 साल थी। मैं सच बताऊं 3 घंटे का सेमिनार था, मुझे कुछ समझ नहीं आया, सब कुछ मेरे ऊपर से निकल गया। और मुझे एग्जैक्ट याद है आज भी कि मैं कहां बैठा था। आगे से एक ऑडिटोरियम था और मैं यहां से तीसरी सीट पे बैठा हुआ था। मैं देख रहा था और इस जगह पे एक 21 साल का लड़का खड़ा हुआ था। जब तक वो बोलता रहा मेरे दिमाग में कुछ नहीं घुसा, सब ऊपर से निकल गया। लेकिन एंड में उसने एक बात बोली, कहता मेरी एज 21 साल है और मैं महीने का 2.5 लाख रुपए कमा रहा हूं। उसमें उन्होंने क्या किया, उस चेक की बड़ी सी फोटोकॉपी कराई हुई और स्टेज पे खड़े हो गए ऐसे दिखा रहे थे। अब मैं वहां बैठा हुआ 0 गिन रहा था, 1 2 3 4 5। मेरे दिमाग में आ रहा था, मैंने कहा ये तो सच में कमा रहा है 2.5 लाख रुपए महीने का। मेरे तोते उड़ गए, दिमाग फट गया मेरा। मैंने ये देखा था जिंदगी में कि भैया 10-15 हजार रुपए के लेवल पे पहुंचने में भी सालों लग जाते हैं, और यहाँ दूसरी तरफ एक लड़का है मेरे जैसा ही जो कह रहा है कि मैं 2.5 लाख रुपए महीने का कमा रहा हूं। और वो एक सेकंड लगता है, एक सेकंड, वही वो सेकंड था मेरी जिंदगी का। अंदर से चीख निकली, मैंने कहा कि अगर ये लड़का कर सकता है जो देखने में बिल्कुल मेरे जैसा है, अरे तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं क्या कोई दूसरे प्लेनेट से आया हूं, मैं क्यों नहीं कर सकता। अगर इसके लिए आसान है तो मेरे लिए भी आसान है, मैं भी कर सकता हूं, कर सकता हूं। और जैसे ये 2 वर्ड आए मेरी लाइफ में, जैसे अंदर तक मैंने मान लिया कि सब कुछ आसान है, तो मेरे अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए। जहां पहले मैं बोलता था कि अरे मुश्किल है, कुछ नहीं हो सकता, हमारा तो टाइम ही खराब चल रहा है, पता नहीं क्या होगा, मैं बोलने लग गया अरे अब आप देखो मैं क्या करता हूं, अरे 2-2 लाख के चेक तो ऐसे ले आऊंगा, कंपनियां खड़ी कर दूंगा, अभी आप देखते जाओ, अभी आपको पता नहीं है क्या होने वाला है। और सब बोलने लग गए थे कि संदीप तो पागल हो गया। अब ये बहुत मजेदार पॉइंट है, जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो, तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे हो। थोड़ा सा तो पागल होना पड़ेगा, वही हुआ, मैं पागल हो गया, अजीब अजीब बातें करने लग गया। मतलब अंदर से मुझे लगने लग गया बहुत आसान है, लैंड फर्टाइल हो गई, एक स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप डिस्कवर करना था कि क्या करना है। अब 2 आवाजें थी, बाहर की आवाज, अंदर की आवाज। मैं उस आदमी को जिसको मैंने स्टेज पे देखा था, उसको देख करके मैं सोच रहा था कि मुझे ऐसा बनना है, वो ये कर रहा है तो मैं भी यही करूंगा, मैं 2.5 लाख रुपए कमाऊंगा। मेरा इंटरेस्ट नहीं था, मेरे अंदर की कोई आवाज नहीं थी, सब बाहर की थी। तो मैं वहां 20-25 लोगों को लेकर के गया उस कंपनी में, एक ने भी ज्वाइन नहीं किया। और जिनको लेकर के जाता था वो मेरा और ज्यादा मजाक उड़ाते थे कि भाई कहां लेके गया था तू, हमें कहते थे तेरा 2.5 लाख का चेक आएगा उसमें थोड़ा हमें भी दे दियो। तो मतलब मैं फेल हो गया बुरे तरीके से। 2 वजह थी उस फेलियर की, एक ये कि वो मेरे अंदर की आवाज नहीं थी, दूसरी ये कि मैं शेयरिंग नहीं समझ पाया था। मैं वहां लोगों को उनके फायदे के लिए नहीं लेके जा रहा था, अपने फायदे के लिए लेके जा रहा था। मन में क्या था एक 18 साल के लड़के के, मुझे अपनी फैमिली की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। भाड़ दे गए ये लोग, तो मैं लोगों को बेवकूफ नहीं बना पाया। तो अब ये जो मैं फेल हुआ, वो मेरी अच्छी किस्मत थी या बुरी किस्मत? बुरी है, अच्छी कैसे हुई? उस टाइम के हिसाब से तो बुरी किस्मत है ना, लेकिन यही बेवकूफी है, क्योंकि बुरा तो कुछ है ही नहीं इस दुनिया में, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड एक्सपीरियंस कम्स फ्रॉम बैड एक्सपीरियंसेस। मतलब के सक्सेस है अगर वो आपके पास आ सकती है तो सिर्फ एक्सपीरियंस से, और एक्सपीरियंस अगर आ सकता है आपके पास, वो आ सकता है खराब एक्सपीरियंसेस से, अच्छे एक्सपीरियंसेस से। राइट। वो चीज मुझे समझ आ गई जब उस कंपनी में गया। उसका फायदा ये हुआ, फाइनेंशियली मैं फेल हो गया, लेकिन फायदा ये हुआ बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिली। ये सारी बातें समझ आने लग गई जो मुझे नहीं समझ आती थी, कुछ अलग थी वो बातें, तो वो दिमाग में घुस गई कि हाँ इसका मतलब फेलियर का भी फायदा है, तो मैं उदास नहीं हुआ।